नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फरकाबाद से। दुष्कर्म पीड़िता न्याय के लिए लगा रही अधिकारियों के चक्कर, आरोपियों की थाना पुलिस से मिलीभगत के चलते पीड़िता की नहीं सुनी जा रही कोई फरियाद। खबर है फरकाबाद से। नाबालिग 13 वर्षीय बालिका से गांव के युवक ने किया था 6 दिन पूर्व दुष्कर्म। आरोपी युवक की पुलिस ने 151 में कार्यवाही किया था चालान। दुष्कर्म पीड़िता 6 दिन से अधिकारियों के लगातार न्याय के लिए चक्कर लगा रही है और पीड़िता ने परिवारजनों के साथ पहुंचकर एसपी को दिया प्रार्थना पत्र। पुलिस अधीक्षक से न्याय दिलाए जाने की लगाई गुहार। थाना कंपिल क्षेत्र का मामला। मैं झाड़ू लगा कर कूड़ा फेंकने गई तो वहाँ पास में शौचालय, उसमें दलवीर नाम का लड़का रहता है, उसमें गया था तो छुप गया, मुझे पता नहीं था। मैं वॉशरूम करने गई तो उसने मुझे अंदर खींच लिया और मेरे साथ गलत रैप किया था। क्या दिक्कत है आपकी बेटी की? सर, हमारी बेटी के साथ रैप किया हुआ है सर, हमें छेड़खानी में फंसा है। कौन? क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है, हमारी हम घर पे नहीं थे, हमारे रिश्तेदार खत्म हो गए तो वहाँ गए हुए थे, हमारी बेटी घर पे अकेली थी और ये कूड़ा डालने गई। कूड़ा डालने के बावजूद में उस लड़के ने इसको पकड़ लिया, दलवीर नाम है जी, रोकड़ी निवासी है। क्या सर, हम थाने गए, थाने में एप्लीकेशन लगाया, एप्लीकेशन सर हमारा कैंसिल करके, हम इतने पढ़े लिखे हैं नहीं सर, हम पे साइन करवा लिया। कौन से थाने में गए थे सर? थाना कंपिल। अच्छा, फिर वहाँ से हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, इधर से भाग रहे हैं हम सर, क्या करें? दलवीर ने क्या किया? इंसाफ चाहिए। दलवीर ने हमारी बेटी के साथ रेप किया है। दलवीर कहाँ रहता है? रोकड़ी है। रोकड़ी। अपनी बेटी क्या उम्र है? बेटी हमारी 13-13.5 की उम्र है सर। कितनी उम्र है जी? और बेटी सिग्नेचर कर लेती है जी? कर लेती है।